अच्छे होंगे। वेलकम टू सैदा लाइफ फैमिली व्लॉग। गाइस मैं अब नहा कर आई हूँ और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी हो रही है कि बस मन नहीं कर रहा कुछ काम करने के लिए। और इसके पापा नहाने के लिए गए हैं, वो भी काम पे आ गए थे तो नहाने के लिए गए। मैंने बोला भाई नहा लो तुम जाकर। तो मुस्कान जी सफाई कर लो बेटा जल्दी, ठीक है? गर्मी हो रही है बहुत। हाँ रात लेट जाओ बस ऐसी, ठीक है? नहा नहा कर कोई जरूरत नहीं है ना, गली में बस पाइप मार देना। हाँ सिमरन काम कर रही है ना ऊपर? हाँ जी ठीक है। और गाइस मुझे आज बहुत नींद सी भी आ रही है, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, बहुत नींद आ रही है। हाँ गर्मी में तो वैसे भी नींद का होता है कि नींद सो जाओ बस, नहाओ दो नहा के और अच्छी नींद आती है। खाना खा लो। खाना अभी नहीं खा रही, खा रही गर्मी में खाने का मन नहीं कर रहा बेटा अभी मेरा, कहता बिल्कुल भी। रोटी तो बना दी, हाँ सोनू ने दाल बनाई थी, तुमने रोटी बना ली, अब क्या करूँ मैं, मन तो कर नहीं रहा खाने में। गर्मी में मैं तो इससे मठा मंगाऊँगी, मठा तो पी लेती हूँ मैं आज, पी ली लस्सी और रुआवज़ा बनाई थी ना जी, रुआवज़ा रखी हुई है आप भी पी लेना, ठीक है? हाँ और मुस्कान पी लेगी, पापा को दे देना बस 1 लाख भर के। वो मैंने फलूदा वो था ना गोंद कतीरा, वो गोंद कतीरा डाल के मैंने बनाया सुबह रुआवज़ा। हाँ तो वो डाल के मैंने जग भर के ना फ्रिज में रख दिया। मम्मी पापा को लस्सी मंगा दो। अच्छा लस्सी, तो लस्सी बेटा तुम घर में ही बना लो, क्या होगा दही मंगा देती हूँ। वैसे आप पहले तो रुआवज़ा पी लो, आप रुआवज़ा पी लेना, फिर रुआवज़ा बच्चे वो पी कर ठंडा करने के लिए रख दिया मैंने। पापा आएंगे 1 गिलास भर के दे देना, फिर मैं ही पी लूँगी, थोड़ा तो मैंने पी लिया था, ठीक है? शाम को बाजार जाओगे या ना? हाँ शाम को बाजार जाऊँगी तो मैं ला दूँगी, ठीक है? अभी तो पापा गन्ने का रस भी बोल रहे थे कि गन्ने का रस ला दूँ, मैंने कहा चल रहे तो मैंने रुआवज़ा बना वो आप तुमने पी लिया था, वो तो लेकर आए थे, फिर मैंने नहीं पिया था, मैंने रुआवज़ा पी ली। चलो ठीक है फिर कर लो काम, है इतने में भी छुट्टी उटियाँ कर लेती हूँ अपनी। जी बेटा आज हम ट्यूशन नहीं आ पाएंगे आज। क्यों? हम नानी के जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, नानी की तबीयत खराब हो रही है। ठीक है बेटा जाओ, 1 हफ्ते बाद आओगी? ठीक है। आप तो नहा लिए ना, सही हो गया, बिल्कुल ठंड गर्मी हो रही है। अर्षी पापा कहीं मत जाना, बहुत ज्यादा घर में लेट जाओ आराम कर लो, इनसे गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है। बस बस कुछ कहने की याद नहीं, गर्मी हो रही काफी, बहुत गर्मी। एक बात बताऊं अम्मी, एक बात बताऊं, जान बुझ के फेंका था मैं तुम्हें डराने के लिए, डाऊंगा पीछे पड़ी हुई है सफाई 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 के पीछे में। एक ही माया तेरे को दो चार ना, अगर दो चार तो डरा लिए मार दो चार लाने का ज्यादा क्या ज्यादा नहीं है, बच्चे काम ऐसा कर रहे हैं खत्म कर देंगे तो भैया दोस्तों करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मरूंगी तो नहीं करूंगा, तब मरेंगे ऐसे नहीं मरेंगे। अरे ऐसा मत कर, पापा लस्सी ले आना शाम को। लस्सी मांगी थी कैसे? क्या कहती लस्सी लस्सी शाम की लस्सी पीने के लिए कह रही, छोटे बजा हाँ चलेंगे बाबा शाम को तुम और मैं, ठीक है? पैसे भी लेके जाओ तो मैं भी पी जाऊँ, फिर फिर एक काम करना सुनो, अम्मी को ले जाना मेरे लिए ही यार, ऐसा कर ले और मुझे ना सिग्नेचर बीच भी ले चलना है, सिग्नेचर बीच सिग्नेचर बीच में होगा, सिग्नेचर ब्रीज है वो, सिग्नेचर ब्रीज को बीच सिग्नेचर बीच। दोस्तों मैंने जो भी बोल दिया कि गलती है मुझे माफ करना, मुझे बोला नहीं गया पर मैंने अपने हैंड से हैंड पंप यार हंदे अम्मी तो दया हो रही है पूरी कह रही हैंड पंप हैंड पंप हैंड पंप नहीं
सही पकड़ है, ज्यादा भी सही पकड़ है, सही कह रहे हो। क्या बोलना, तुमने बता दिया गार्नियर क्रीम होती है, मुझे पता चल गया वो मैं लाग रही थी कितनी बार गार्नियर की क्रीम है वो। याद रखना आगे पीछे क्या बोल रहा, गाय की क्रीम ला दो। अम्मी मेरी हो गई है सफाई, अब मैं देखूंगी टीवी। टीवी देखेगी? हाँ टीवी। क्राइम पेट्रोल तो वही देखेगी, पेट्रोल पंप है ना तू तो। क्या क्या देखूंगी, ये देखती तो पेट्रोल पंप बंद नहीं करी, मुझे बहुत बुरा लगता है ये। मैं ही देखती हूँ क्या, पहले क्या बोला तूने बता दूंगा। देखो जरा ये वो देखेंगे टीवी पे, जो आता नहीं है डर लगता मुझे उसे देख के, पेट्रोल पंप देखते हैं। क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोल है वो जब तो चुप हो गई थी, क्या होता है मैं तुम्हारा बता ना, क्राइम पेट्रोल 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 पंप पे भी आ, पेट्रोल पंप देखती हूँ मैं। दिमाग हाँ यार मैं आप देखने के लिए, चलो आओ दोनों देखेंगे पेट्रोल पंप। मैं चलाऊंगी बिल्कुल भी है, तो आज गली में बारात आई हुई है, डांस हो रहा है जबरदस्त। एक मासूम के करवा बैगी, हो गोरी रे।
बहन के चले के करवाओगी, जिमा सूट पहन कर चले के करवाओगी, चली चल जाएगी। गाय इतना अच्छा जर्द बना, देखो कितना प्यारा बनाया इनने, सिमरन ने खा भी लिया था। हाँ इसने खाया होगा ना, मैं थी नहीं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस आप भी खा के देखो, है ना। कहाँ गई वो खाने? ना ना, चलो कोई नहीं, चलो खाते हैं देखते हैं। आप भी खा लो, हमने जर्दा बनाया, अभी खाने जा रहे हैं, मीठे को मन कर रहा था तो खाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ नहा के, मैंने आज शाम कर दी नहाने में, और अम्मी पापा ये बैठे हुए हैं, मैंने बना लिया है खाना, और पापा कुछ बताना चाहते हैं अम्मी के बारे में आज, तो मैं कैमरा बैक कर लेती हूँ पापा की तरफ, फिर दिखाते हैं पापा क्या कहना चाहते हैं। तो हाँ जी पापा, क्या कहना चाहते हैं आप अम्मी के बारे में? अम्मी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है, क्योंकि सही था कि खासियत कुछ ऐसी है, जैसी शख्सियत बहुत नसीब वालों को मिला करती है। ओहो दोस्तों, इनकी तारीफ ये है कि जब से इन्होंने छोड़ा स्कूल और ये खाने में इन्होंने बना लिया कसूल, अगर खाना गलत बनाया आप बताया आपने तो ले लेंगे पैसे वसूल, और दिमाग को रखती है बिल्कुल कूल, हमेशा बातें नहीं करती कोई फिजूल। और मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों आप भी बैठ कर सुन लो, ले लो कोई कुर्सी या स्टूल। तो अम्मी पापा ने तुम्हारे पर पूरी कविता बना दी, मेरे अपनी किताब बना दी, वही कहानी बना दी। ये तो बागवान लिखी जाए तो भी कम है, कभी छपेगी देखना, वायरल होगी बागवान। बागवान टू, बागवान टू, बागवान टू। मैं शुगर हो जाएगा, मेरे खाते की चक्कर जाना। तो करेले का जूस, अगर आप भी पियो करेले का जूस तो हमें सर होगा खुश। घुमा के लाओ, है ना। सुबह बोला था, कहाँ बोला था बताओ, आप बताओ। अभी अलविदा मत कहो दोस्तो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, बीते उन लम्हों की कसक साथ तो होगी, पापों नहीं हो चाहे मुलाकात तो होगी। क्या बात है। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों नहीं हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो आज पता चल रहा है कि ये 25-26 साल इनके शादी के आराम से कैसे गुजर गए। पापा ने अम्मी को गाना गा सुना सुना के खुश रख रखा है। पहले इतना एंजॉय नहीं था, अब ज्यादा ही कुछ एंजॉय करने लगे, मेरे साथ खूब मस्त रहते हैं। अभी ने पता बुढ़ापे में जाऊं मैं तो कहां जाऊं। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई दिल जलाने, मिले न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल। अच्छा जी, हमारी मंजिल है ना, अब साथ रहेंगे भाई, मेहनत पड़ेगा, दोनों साथ मिलजुल के न रहे, खुश होकर रहे, अच्छा लगता है। दूर कहीं प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं, चले दूर कहीं प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं।
गाइस मुझे जाना है घूमने के लिए, मुझे लेकर जाएंगे जो इन्होंने शुरू में बोला था कि मैं आपको लेकर चलूंगा। दोस्तों आज तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, मेरे साथ जा रही है, वरना मैं इनसे पूछता था हमेशा कहाँ चलना है, चलो बाप क्या, चलो मैं के बस यही था इनका और कहीं नहीं, इनको कोई एंजॉयमेंट नहीं कुछ नहीं, कहीं घूमना नहीं दुनिया में, बस चाहे हमें। पहले तुम कहाँ कहाँ घूमने आते थे पापा के साथ? मैं पापा मेरे को हर संडे के संडे गाड़ी धोते थे सुबह गाड़ी धोई संडे के दिन, और मुझे लेके चलते थे, कहते थे चलो आज मैं वहाँ घुमाना चाहता हूँ लाल किला। अरे भैया एलोवेरा किले लगा रखा आज थोड़ी, एलोवेरा वो क्या नाम था, चेले थोड़ी है, कौन ला रहा है एलोवेरा, ये मुस्कान लगाया होगा, तो मुझे देख कहते थे चलो लाल किला चलो, जामा मस्जिद चलो, कहीं भी मतलब फुगर कमर गार्डन बहुत जगह ले जाते थे, तो मैं कहती थी जब हाथ कभी कभी ले जाते थे, जब मैं घर से निकलती थी जैसे निकलती थी फोन करी आशी पापा घूमने चलते हैं घोंडे तो की दौड़ भाई मस्जिद तो मेरी दौड़ के थे घोंडे की दौड़ थी, और मुझे घुमाया खूब है तो मेरे जीवन साथी प्यार की ये जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम कुछ बोलो सत्यम शिवम सुंदरम सही है। करने जा रहा है दोस्तों, सारी मोगड़िया हरी हरी सबकी करी का पेड़ वेड़ सब है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, और ये लोग लोग आ रहे हैं गाड़ियां खड़ी कर करके, देखिए ये सिग्नेचर ब्रिज, मैंने बोला था ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों क्या नज़ारा है, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बढ़िया, मैंने बोला था ना मुझे वो दिखा के लाओ, तो आज तुम लेकर आ गए मुझे बोला सभी लोग घूमने आते हैं, अभी तक हम यहाँ घूमने नहीं आए थे दोस्तों, जब से बना हुआ है देखिए पूरी जमुना बह रही है इधर, और थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये जमुना के पास कोई छोटे पुल का फिर सफाई का काम चल रहा है दोस्तों, ये सफाई के लिए इन्होंने बीच में कुछ पानी के अंदर रस्सी वगैरह डाल रखी है जिससे सारा कचरा आकर रुक जाता है, और ये सफाई का काम चल रहा है यहाँ पर जमुना की सफाई के लिए, गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत, काफ़ी वैन्स वगैरह हैं, एम्बुलेंस है, और यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी वगैरह सभी, हाँ जी आ जाओ, सभी आए हुए दोस्तों वहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है, सभी वीडियो बना रहे हैं।
हेलो दोस्तों, ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। बेटा कहाँ से हो आप? भजनपुर से। ब्लॉग वगैरह देखता हूँ हमारा, अच्छा लगता है। दोस्तों सिग्नेचर पे जो घूमने आए थे, ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। बाय कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर भी मिल गए। तो दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, ये देखिए दोनों बच्चे आए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्राची शर्मा। प्राची शर्मा जी, कहाँ से आए आप बेटा? मैं अशोकनगर से है भैया। अभी ये साथ में दोनों कुमार, मेरा नाम है, मैं भी अशोकनगर से आया। अच्छा, हमारे ब्लॉग वगैरह देखते हो आप? हाँ जी। चलो जी, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लाइट वगैरह जल चुकी है, बड़े खूबसूरत नजारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप देखिए, सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए जगह जगह से, नजदीकी इलाकों से। और ये देखिए दोस्तों, लाइट वगैरह कितने खूबसूरत है। सही तक बोल रही है, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं हो रहा यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, सिग्नेचर ब्रिज के लाइट वगैरह जलने के बाद किस टाइप से लग रहा है। बेहतरीन लग रहा है। कहाँ चलना है अब आपको? सईदा बोल रही है, अब उस साइड जाना है हमको। इधर के नजारे देख चुका, उस साइड दूसरी साइड, ये वापसी की साइड है भजनपुरा के लिए। इधर तो ये जा रहे हैं हम, आप जमुना के पास जा रहा है रास्ता, उधर से वापसी भजनपुरा। और ये उधर का रास्ता जो जा रहा सीधा आपका है शाहतरा गाजियाबाद की तरफ। सईदा बहुत मुस्कुरा रही है, काफी अच्छा लग रहा है इनको आकर यहाँ पर। ठंडा ठंडा लग रहा है ना, ठंडा कूल कूल, ठंडा एकदम अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं घर के लिए। दोस्तों हम आ गए कुल्फी खाने के लिए जमुना बाजार में, बालाजी की कुल्फी। भैया कुल्फी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो हम हमेशा आकर यहीं पे खा के जाते हैं कुल्फी वगैरह। मेरी दो कुल्फियाँ, दोस्तों हमें ये कुल्फी पसंद है, इसलिए हमने सिग्नेचर पे तो कुल्फी नहीं खाई, क्योंकि हमें ये वाली कुल्फी ज़्यादा पसंद है खानी। कुल्फी इसी को बोलते हैं, इनकी कुल्फी सईदा को बहुत पसंद है। और ये कुल्फी वाले भैया हैं, बालाजी के नाम से इनका ये है काउंटर, यमुना विहार, ये बिजली दफ्तर के पास लगाते हैं। क्या नाम भाई साहब का? बालाजी कुल्फी भंडार, नाम है विक्की। विक्की भाई साहब, बालाजी कुल्फी भंडार। कुल्फी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर, और थक गई मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों, और मैं करती हूँ यहीं पे वीडियो एंड। आज की वीडियो यहीं ऐड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।